दोस्तों आप सभी को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में आपको दूंगा कोरियन बेसबॉल लीग की टीम दूंगा, डोसन बियर्स वर्सेस एलजी टीम के बीच में। पिछला मैच कल ही हुआ था, इन दोनों बीच में तो एलजी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 2-8 से विन कर लिया था मैच। तो आज भी हावी हो सकती है इनके, कल सारे प्लेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसलिए ये विन कर लिया। बात कर ले इस मैच में आपको सबकी टीम दूंगा, मैंने पूरा इतने प्लेयर क्या क्या पोजिशन परफॉर्म किया, क्या क्या मैंने परफॉर्म किया, क्या इतने रन मारे सब बताऊंगा आपको। इसकी दो इसकी फाइनली मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा लिंक आने के बाद, सॉरी लाइनअप आने के बाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, फैंटेसी स्पोर्ट्स नाम से मैं टेलीग्राम चैनल, लाइनअप आने के बाद फाइनली दे दूंगा। यहाँ मैं आपको बताऊंगा सारे न्यूज़, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रिकेट यहाँ मैं क्रिकेट बास्केटबॉल बेसबॉल फुटबॉल सब सबकी टीम देता हूँ। वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बात करें आउटर फील्डर में, यहाँ से मैं कौन हो को आप लेना चले सकते हो, लेकिन पिछले में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, जल्दी चले गए थे वन सिंगल रन मारकर। तो आप इनको तो आप लेना चाहिए, ग्रेल नहीं पिक करना, स्मॉलिंग मत पिक करना। सबसे बड़ी बात यहाँ से मैं यहाँ से केजवान होहान को पिक कर रहा हूँ। पिछला मैच काफ़ी एक सिंगल रन एक होम रन भी मारा एंड 1-3 भी, तो इनके कारण 18 पॉइंट मिल गए थे। सबसे बड़ा उलटफेर इसने किया था के वन सो सर, आप देख सकते हो 30 पॉइंट। इसमें एक आरबी एक टू बी एक होम रन भी, इन्हीं कारण जो पिचर हैं ड्यूबी के एलगंड्रा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि सब इसने काम बिगाड़ दिया था। तो आप देख सकते हो एलिंग इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन कल एलजीटी के सारे प्लेयर काफ़ी अच्छा हिट कर रहे थे, तो इसलिए फिलहाल मैं जा रहा हूँ। क्रेडिट कम है इनके, इनको मैं लेकर पिक कर रहा हूँ। यहाँ से चोंगो ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 1 RBI एंड 1 होम रन एंड 1 सिंगल रन मारा था, इनको पिक कर रहा हूँ। बाकी हमारे टैक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, आप इसने भी पूरे अच्छे आप पॉइंट देख सकते हो, तो आप इनको भी लेना चले सकते हो भाई। कोई खास ऑप्शन नहीं है स्मॉल लीग के लिए, स्मॉल लीग टीम हेड टू हेड लगा सकते हो, 3 मेंबर में लगा सकते हो, 4 मेंबर में भी, और 10 मेंबर में 5 भी नहीं उसमें भी लगा सकते हो। बात करें इनफील्डर में, इनफील्डर में यहाँ से जे फर्नांडिस काफ़ी अच्छा प्लेयर है, पिछला सीजन के सबसे सेकंड हाइस्ट स्कोरर थे स्कोरर, तो आप ले सकते हो एज ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग उतने लोग तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि क्रेडिट काफ़ी हाई है, लेकिन पिछला सीजन काफ़ी इनका अच्छा गया था, लेकिन कल इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए थे, तो आप इनको लेना चाह ले सकते हो। फिर लेकिन आज के मैच में ग्रैंडिंग काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे, आप इनको बना सकते हो भी, कैप्टन ही बना सकते हो। बाद यहाँ मी सिंह को पिक कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था पिछला मैच में। फिर यहाँ से रैमोस को पिक किया हूँ एंड के जो हाउ, और ये सब उतने अच्छे प्लेयर नहीं है लेकिन परफॉर्म कर देते हैं, एंड के जू को पिक कर रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट नहीं हो मैच करना पड़ेगा। आप पिक्चर में आप देख सकते हो वॉच एंड पिछला मैच में आप कितना अच्छा परफॉर्म किया, आप देख सकते हो 7 स्ट्राइक किया दोस्तों, 7 स्ट्राइक DOB के प्लेयर को साथ आप देख सकते हो, इसलिए इनके जैसा पॉइंट आप यहाँ देख सकते हो, इनको पिक कर रहा हूँ। बात करें कैचर में यहाँ से 3 प्लेयर DOB को लेना जरूरी था, इसलिए मैं इनको पिक कर रहा हूँ, इनको पिक कर रहा हूँ दोस्तों। एंड आप देख सकते हो कैप्टन मेरे यहाँ से रहेंगे वन, वाइस प्लेयर यहाँ से रहेंगे एमसन। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू दोस्तों, बेस्ट लाइक क्यों मैंने।